For more videos and updates, please subscribe our channel and click the bell icon. कुछ बता दिया मौलाना आज़ाद के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी का जो एक डिवीज़न किया उनमें, तो उसमें मैं एक और पार्ट जोड़ना चाहूँगा कि मतलब उनका एक पूरा दौर रहा जिसमें फ्रीडम मूवमेंट में वो लीड कर रहे थे, बड़े एक्टर थे। मतलब कि अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस का कोई मुस्लिम फेस थे तो सबसे बड़े मुस्लिम फेसेस में से वो एक थे। उनके अलावा एम ए अंसारी साहब थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, आपके हकीम अजमल खान थे। अगर इन लोगों को निकाल दिया जाए उस कंटेम्प्रेरी दौर में, तो कांग्रेस में शायद ही मुस्लिम लीडरशिप बचती है। उससे पहले जिन्ना थे जो कभी सेकुलर हुआ करते थे, बाद में उनका एक ट्रेंड बदल गया। तो आज़ाद की पर्सनैलिटी में जो एक तीसरा पार्ट जो आता है वो आता है आज़ादी के बाद, जब वो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर रहे। 11 साल वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे, इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने डिवाइस की। मतलब आज के दौर में जो हम IIT IIMs देखते हैं, जिनकी वजह से हिंदुस्तान जाना जाता है पूरी दुनिया में, वो शायद आज़ाद की ही देन है, जो ख्वाब उन्होंने नेहरू के साथ मिलकर देखा था। तो ये तो वो बात हुई। एक बात और है जो आज़ाद के साथ जो बात जुड़ी हुई है, वो चीज़ जिन्ना के साथ भी जुड़ी हुई है, वो ये है कि हिंदुस्तान में जो नेशनलिज़्म बना और नेशनलिज़्म के बाद हमने जो आज़ादी पाई, उसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, वो ये है कि आज़ादी के साथ पार्टीशन जुड़ा हुआ है। पार्टीशन अपने आप में इतनी भयावह त्रासदी थी, एक इतना बड़ा मोमेंटस ओकेजन था कि आप इससे समझ लीजिए कि 60 लाख लोग बॉर्डर के एक पार से दूसरी तरफ गए, और शायद कुछ महीनों में गए। वो ट्रेजेडी का स्केल इतना ज़्यादा था कि उस वजह से उसने सारी डिबेट्स को आगे जाके अपसाइड डाउन टर्न कर दिया। मतलब हम कैसे पहले किसी कम्युनिटी को देखते थे, बाद में कैसे देखने लगे, उसमें पार्टीशन ने रोल बहुत बड़ा प्ले किया। आज़ाद भी उस दौर में उस पूरे दौर में एक एक्टर थे, वो जान रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवन आज़ाद अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरुआत में नहीं करते थे, इवन उन्होंने बायोग्राफी भी अपनी लिखनी नहीं चाही थी। बहुत रिलेक्टेंटली उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम, जो हुमायूं कबीर ने पेन की है, और उसमें उस बुक के बारे में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। और मतलब बहुत सारे लोग हम में से मौलाना आज़ाद को शायद उस बुक की वजह से भी जानते हैं, पर मुझे ये लगता है पर्सनली, और कई और ऑथर्स ने भी इस बात को लिखा है, कि वो बुक जो है वो प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं करती आज़ाद की पर्सनैलिटी को, जो आज़ाद थे। आज़ाद कई सारे जो वैल्यूज़ थी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की, उनको पर्सोनिफाई करते थे। उन वैल्यूज़ में था कि भाई जर्नलिस्टिक फ्रीडम को आगे बढ़ाना है, कंपोजिट कल्चर को आगे बढ़ाना है, गंगा जमुनी तहजीब की बात जो भाई ने की उसको आगे बढ़ाना है, और वो जो एक प्लुरलिज्म का आइडिया था, आइडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी का था, उस आइडिया को आगे बढ़ाना है। आज़ाद इसको बोलते रहे, और आज़ाद 1923 में पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, और तब वो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। 40 में दोबारा बने, 6 साल रहे। उन 6 साल मतलब रामगढ़ के सेशन में जब उन्होंने दूसरी बार कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप ली, तो उन्होंने एक बात कही। उनसे किसी ने पूछा कि भाई अगर आपको ये कहा जाए कि आपको स्वराज चाहिए या आपको ये चाहिए कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहे, जो आगे जाके 6-7 साल बाद ये कंडीशन आई कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप आज़ादी को चुनें, 10-5 साल आज़ादी डिले कर दें, या जो पार्टीशन का एक सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आप उसे फेस कैसे करेंगे। तो उसको पहले ही समझ रहे थे कि ऐसी चीज़ आ सकती है, क्योंकि वो चीज़ 37 से ही आनी शुरू हो चुकी थी। तो आज़ाद ने उस वक्त ये दौर उस टाइम पर ये कहा कि स्वराज और हिंदू मुस्लिम यूनिटी में से अगर मुझे कुछ चुनना होगा तो मैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी को चुनूंगा, क्योंकि उनके लिए वो इंसानियत की चीज़ थी। ये जो आपका स्वराज जो है वो एक पॉलिटिकल फ्रीडम है, वो उससे भी बड़ी चीज़ जो देखते थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखते थे, और इसके वो हमेशा कहते भी रहे, अलमबरदार भी रहे, और इवन लोगों के उन्होंने आरोप भी झेले इस चीज़ में। जब उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस का, तो जिन्ना ने इसका बहुत मजाक उड़ाया। जिन्ना उसको बोलता था कि भाई ये शो बॉय ऑफ कांग्रेस है, इनकी क्या पावर ही है कांग्रेस में, इनकी कोई पावर नहीं है। और लिटरली उन्होंने बहुत बड़े डिसीजंस भी नहीं लिए। 40 से 46 में जब वो प्रेसिडेंट रहे, तो 3 या 4 साल तो जेल में ही काट के आए। जो बाकी के 3 साल में जो मूवमेंट चला, उसमें भी उतना बड़ा रोल उनका नहीं था डायरेक्टली, क्योंकि वो गांधी भी उसको नहीं चला रहे थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह पर मूवमेंट चल रहा था, क्यूट इंडिया मूवमेंट। तो इन सब चीज़ों में जब हम देखते हैं, तो आज़ाद एक बहुत मतलब एक बेहमत पर्सनैलिटी ज़रूर नज़र आते हैं, पर कॉन्ट्रडिक्शंस भी नज़र आते हैं। और यही वो कॉन्ट्रडिक्शंस थे जब वो इंडिया मीन्स फ्रीडम लिख रहे हैं, तो वो और कंटेम्प्रेरी लीडर्स को कास्टिगेट करते हैं उस चीज़ की। उसकी 2 वजह हैं। एक तो जो गिल्ट था, पार्टीशन का गिल्ट था, वो चाहते थे शुरू से आखिर तक कि पार्टीशन ना हो। इवन इंडिया विंस फ्रीडम में उन्होंने इस चीज़ को लिखा है कि इन द वेरी लास्ट गांधी एक्सीडेड टू दैट आइडिया ऑफ पार्टीशन, माउंटबेटन प्लान जो था, एंड ही वॉज रियली हर्ट कि कैसे उन्होंने कर लिया इसको।
वो मतलब कभी सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि इस तरह की चीज़ हो सकती है, पर इस तरह की चीज़ हुई। पर उस वक्त के नेशनलिज्म का पूरा आइडिया है इंडिया में जैसे इवॉल्व हुआ वो हम देख रहे हैं, जो मतलब पहले सबसे पहले कल्चरल नेशनलिज्म आया, उस पर इकोनॉमिक नेशनलिज्म बिल्डअप हुआ, फिर पॉलिटिकल नेशनलिज्म आया, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल नेशनलिज्म में एक डिवीज़न हो गया जहां हम देखते हैं कल्चरल नेशनलिज्म की जो पुरानी फोर्सेस थी वो रिवाइवलिज्म की तरफ चली गई, और दूसरा एक जो फोल्ड गया वो सेकुलर नेशनलिज्म की तरफ गया। तो आज़ाद का जो बिलीफ था वो सेकुलर नेशनलिज्म में था, वो ये सोचते थे कि भाई हिंदू मुस्लिम दो कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो हज़ार साल से म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस में हैं, वो एक दूसरे के साथ रह सकती हैं, उन्होंने साथ में अपने ट्रेडिशंस अपने कल्चर को इवॉल्व किया है। और उससे भी बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ये था जो उस टाइम से पहले सर सैयद का था, वो ये था कि उन्होंने थियोलॉजी का एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन दिया, उन्होंने कुरान का ट्रांसलेशन किया, उन्होंने ये समझाया कि मतलब जैसे आप साथ में रहते हैं तो उससे फिर भी बात इतनी मजबूत नहीं होती, जब वो स्क्रिप्चर्स में से बात आती है वहाँ से जब उसको जस्टिफाई किया जाता है तो बात सॉलिडिफाई कर जाती है, जो उससे पहले राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू स्क्रिप्चर्स के साथ किया। तो क्योंकि इंडिया इतना डीपली सेकुलर उस सेंस में नहीं है, वेस्टर्न सेंस में नहीं है, वो एक ओरिएंटल सेंस में है जहाँ रिलीजन अपना पार्ट प्ले करेगा ही करेगा, वो इस चीज़ को जानते थे, वो खुद भी भाई 15-16 साल की उम्र में आलिम फाजिल हो चुके थे और वो जानते थे इस बात को कि रिलीजन पार्ट प्ले करेगा, और उन्होंने कभी इसको नकारा नहीं, वो कहते थे मैं मुसलमान हूँ, बाहैसियत में मुसलमान हूँ, उसी हैसियत से बात करूँगा मैं, तो वो चीज़ उनको हमेशा पता था, वो उस चीज़ को कहते थे। और इवन जब बंटवारा हुआ भारत का तब भी वो इस बात को कहते थे कि पाकिस्तान का बनना एक नाजायज़ चीज़ है, एक इलीगल चीज़ है, और उन्होंने इसको एंटी इस्लामिक कहा। तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस चीज़ में देखा जाना चाहिए कि उन्होंने उसका इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में से एक जस्टिफिकेशन दिया, वो एक अपने आप में बड़ी चीज़ थी। पर कांग्रेस कितना कर पाई और कितना नहीं कर पाई, इसको यूज़ तो मैं नहीं कहूँगा, वो एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, कितना उसको अपने जस्टिफाई कर पाई, कितना मैनिफेस्ट कर पाई, वो एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। मतलब उन्होंने अपनी किताब में भी ये चार्ज लगाया कि 37 के इलेक्शंस में जब कांग्रेस जीती थी 5 जगहों पर, 6 जगह उन्होंने सरकार बनाई, तो जिन्ना ने प्राइवेटली मैसेज किया था गांधी को कि आप हमें भी कुछ दीजिए इसमें, उन्होंने बाकी लोगों ने मना कर दिया। आज़ाद प्लॉट कर रहे थे गांधी को कि आप ऐसा कुछ करिए कि इनको उसमें अकोमोडेट कीजिए, पर उन्होंने किया नहीं। ये उन्होंने चार्ज दिया है, वो कितना सही है कितना गलत है वो हिस्ट्री बताएगी, बट ये ज़रूर है कि हाँ शायद वहाँ से वो चीज़ निकल के इतनी ज़्यादा फैल गई कि उसे फिर बाद में नहीं रोका जा सकता था। 46 में वो चीज़ एकदम इंट्रैक्टेबल हो गई थी, आप उसे कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे। इट वॉज लाइक दैट, मतलब इट वॉज कम्युनलिज्म स्प्रॉडेड बाय द कॉलोनियल स्टेट, कि वो इतने ज़्यादा बड़े हो चुके थे कि आप उन्हें नहीं रोक सकते थे। तो ये चीज़, इस ट्रेजेडी को आज़ाद ने बहुत हद तक फील किया था कि अब मतलब उनका ये कहना था कि आप माइनॉरिटी के लिए एक स्टेट मांग रहे हैं, आगे जाके जब ये स्टेट बनेगा तो यू विल बी रिड्यूस्ड इनटू अ फर्दर माइनॉरिटी, और वो कोई छोटी मोटी माइनॉरिटी नहीं थी, इट वॉज 40% ऑफ ऑल मुस्लिम्स, वो एक बड़ी चीज़ थी। तो उसको उन्होंने उसी वक्त कहा था, और इस चीज़ को अपनी किताब में मुशीरुल हसन साहब ने लिखा है, लेगेसी ऑफ अ डिवाइडेड नेशन उनकी बुक है, उसमें उन्होंने इस इनसिक्योरिटी को जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इसको लिखा है, और उन्होंने बताया भी जब डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन आगे जाके 50-60 साल बाद बीत जाएगा तब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दोबारा रिवाइव करेगी, जैसे कि आज हो गई है, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, उसमें अगर एक सेक्शन को कुछ नहीं मिलेगा तो दे विल सर्टेनली से कि हमारा से कहाँ है उस चीज़ में। तो इस चीज़ को नेशनल लीडर्स जो उस टाइम के थे वो जानते थे, उस चीज़ को कहते भी थे, अम्बेडकर भी इस चीज़ को जानते थे। अम्बेडकर का जो पूना पैक था, इट वॉज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। तो वो चीज़ जो थी वो आज़ाद उस चीज़ को कहते थे, पर कांग्रेस उसको उस तरीके से अकोमोडेट नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस ने वो अकोमोडेट किया होता, उन चीज़ों को सुना होता उस वक्त, तो शायद ये नहीं होता। तो ये चीज़ें जो हैं, ये नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ हैं, जो इतना ऑब्फस्केट हो जाते हैं, जो मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि पार्टीशन इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे आप आसानी से समझ नहीं सकते। आप टू नेशन थ्योरी को बाइनरी लेंस से देख रहे हैं, वो इतना बाइनरी है नहीं। पीपल्स आर इन्वॉल्व इन इट, ह्यूमन सेंसिबिलिटीज़ आर इन्वॉल्व इन इट। मतलब आप कहेंगे 2-4 लाख लोग मर गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट दे वर ह्यूमंस, दे हैड देयर इमोशंस। आप मंटो की कहानियां पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ को समझेंगे कि क्या ट्रेजेडी थी, वो ट्रेजेडी का सीन क्या था। और उसी वजह से शायद अपनी बुक में जब वो लिख रहे थे, देयर वॉज अ सेंस ऑफ गिल्ट। वो लिखते ही इस तरीके से हैं कि अगर मैं वहाँ रहा होता या मेरी बात मानी गई होती तो दिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, बट वो चीज़ चल नहीं पाई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ हैं, वो हम आज के दौर में भी देख रहे हैं। जो आज की रूलिंग पार्टी है और जो रूलिंग पार्टी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक सर्टेन आइडिया है नेशनलिज्म का, जो एक्सक्लूसिव है, जो उसके बिल्कुल एंटीथेसिस है
जो मौलाना आजाद का आइडिया था, जो नेहरू का आइडिया था, जो गांधी का आइडिया था, जो कंपोजिट नेशनलिज्म का आइडिया था, जो गंगा जमुना तहजीब से गंगा जमुनी तहजीब हम लोग बोलते हैं, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का जो आइडिया था, वो कहीं छूट रहा है उस चीज़ में। वो लोग उसको एक्सक्लूसिव सेंस में देख रहे हैं, मतलब मौलाना आजाद उनका नाम है तो दे विल हाइप ऑन द वर्ड मौलाना ओनली। द अदर डे आई वॉज वॉचिंग अ डिस्कशन, उसमें वो बार बार यही कह रहा था कि मौलाना आप कह रहे हैं तो क्या वो फिट हो रहा है एक चीज़ में। तो इस टिपिकल ब्रांडिंग जो की गई है ना, उसमें वो उनको रिड्यूस कर लिया गया है, जबकि वो आज़ाद का आइडिया ही था कि ही नेवर वॉन्टेड टू बी जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स ओनली, ही वॉन्टेड टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल। पर क्या अब ये इसमें भी एक वाजिब सवाल ये उठता है, क्या मुस्लिम्स ने भी उनको उस तरीके से लिया है जैसे लेना चाहिए था? तो शायद मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से लिया है, उनकी लेगेसी को हमने ऑनर नहीं किया है जैसा कि हमें करना चाहिए था। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, और अपने एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आज़ाद अपने आप में एक अच्छे ऑरेटर थे, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, अच्छा लिखते थे, पर उनका कहीं ना कहीं मासिस के साथ कनेक्ट उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि गांधी का था या नेहरू का था। नेहरू यूज़ टू मेस्मराइज क्राउड्स, इवन जिन्ना भी मेस्मराइज करते थे। पर इसमें हमें यह समझना चाहिए, जब पार्टीशन का दौर था या जब हिस्टीरिया बहुत ज़्यादा था 40s और 45 की बात मैं कर रहा हूँ, 46 में पर्टिकुलरली, तब जब जो मासिस चाह रही थी वो आज़ाद नहीं कह रहे थे, वो उससे बिल्कुल उलट बात कह रहे थे जो वो सुनना नहीं चाह रहे थे। अगर वो चाहते तो वो भी वो बात कह सकते थे जो जिन्ना कह रहे थे, पर उन्होंने वो बात नहीं कही, वो अब तब भी अपनी बात पर टिके रहे। तो उनका जो आइडिया था वो एक इनेट आइडिया था, जो कंपोजिट कल्चर में उनका इनेट बिलीफ था, वो मानते थे इसी कल्चर में वो पले बड़े थे, पैदा जरूर मक्का में हुए थे पर उनका पूरा बिलीफ इसी चीज़ में था, और उसको उन्होंने कहा भी। तो पर जो करंट रिजीम आज की जो है वो एक्सक्लूसिव आइडियाज़ पर चल रही है और म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस को नहीं सोच रही है, वो ये सोच ही नहीं रही है कि डेमोक्रेसी का आइडिया रिप्रेजेंटेशन का आइडिया है। यू कैन नॉट एक्सक्लूड सम पीपल फॉर फॉरएवर, यू हैव टू एकोमोडेट देम, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट एकोमोडेशन। तो यही चीज़ जो है मैं कहना चाह रहा था, और शायद मैंने शायद थोड़ी बहुत जस्टिफाई कर पाई हो। तो नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो आज़ाद ने बहुत कोशिश की और बहुत हद तक करने की कोशिश की, पर वो शायद मुझे लगता नहीं कि उतना दे पाए वहाँ तक, और हम लोगों ने उस लीगेसी को ऑनर भी नहीं किया है जो हमें करने की ज़रूरत है, और उनकी पूरी पर्सनैलिटी को हमें लोगों तक पहुँचाना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, वो नहीं हो पाया है शायद। पर मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो हमारी जनरेशन्स होंगी वो इस चीज़ को पढ़ेंगी, समझेंगी और जानेंगी कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली क्या था, और उसको ऑनर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा।